हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में। लहसुन एक औषधि है, एक इसमें काफ़ी सारे गुण पाए जाते हैं। लहसुन जो है एक प्रकार का मसाला है जो सब्जियों में डाला जाता है उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए, किंतु हम इसे दवाई के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि लहसुन को पीस कर अगर कोई बेहोश हो गया है तो पीसे हुए लहसुन को रोगी को उसे सुंघाई तो उसकी खुशबू से जो बेहोश रोगी है वो तुरंत ठीक हो जाएगा, उसको होश आ जाएगा। अगर किसी के कान में दर्द है तो लहसुन को सरसों के तेल में पका लें और उसे छान लें और उसकी 2-3 बूंदे कान में डालें, कान दर्द समाप्त हो जाएगा। अगर खट्टी डकारें और पेट में मरोड़ हो रहे हैं तो लहसुन, अदरक, धनिया, शक्कर और नमक पीस कर चटनी बनाएं और भोजन के साथ इस्तेमाल करें, खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी। अगर किसी को काली खांसी है 10 दाने लहसुन के लेकर दूध में पका लें और दोनों टाइम पे रोगी को दें, यानी कि सुबह और शाम रोगी को दें, आपकी जो काली खांसी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को लकवा हो गया है, पहले दिन लहसुन की 1 साबुत कली उसको दें, दूसरे दिन 2 दें, तीसरे दिन 3 और चौथे दिन 4, ऐसे ऐसे करके हर दिन उसकी एक एक लहसुन की कली बढ़ाते जाएं। ये 40 दिन करें, लकवा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर किसी को हैजा हो गया है तो लहसुन, कच्ची हींग और कपूर बराबर मात्रा में पीस कर चूर्ण बना लें और नींबू का रस मिलाकर रोगी को दें, रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, व्यू करें, इसका कमेंट करें ताकि मेरी नई अपडेशन्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।